So basically, this question paper is related to the assistant public prosecutor exam for the CBI, which was conducted by UPSC and it was held on 27th of June 2015. So let's solve the question paper one by one. So, the first question is the committee recommending the appointment of Central Vigilance Commissioner consists of तो कौन ऐसी कमेटी जो कि सी के मेंबर को सी के अपॉइंटमेंट को रिकमेंड कर रही है उसमें कौन कौन होगा तो प्राइम मिनिस्टर होंगे यूनियन होम मिनिस्टर होंगे एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल ये तीन लोग मिला के होंगे देन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कैन होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ या तो चार साल या तो पैंसठ साल जो जल्दी हो on ceasing to hold office the central vigilance commissioner shall be ineligible for further appointment to any office of profit under the government the fourth question is the central vigilance commission is duty bound to present to the president a report as to the work done so ye aapko annually hoga. then next question the president shall cause the report of central vigilance commission to be laid before that is each house of parliament देन अंडर द प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज शूड बाई अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन इट कैन भी रिवोक्ड इफ द सब्सक्राइबर मेक्स अ रिक्वेस्ट तो जो सब्सक्राइबर यदि रिक्वेस्ट करता है तो इट कैन भी रिवोक्ड दैन सेवन इज इंफॉर्मेशन आई टी एक्ट टू थाउजेंड प्रोवाइड दैट ऑप्शन नंबर बी वुड बी ऑफेंस अदर देन दोज पनिशेबल बाई इम्प्रजमेंट फॉर लाइफ और फॉर अ टर्म एक्सीडिंग थ्री इयर्स आर कंपाउंडेबल विद with certain exception so seven can said hoga with respect to eight for the purpose of section 13 of information technology act 2000 if the originator or the addressee has more than one place of business which one of the following shall be the place of business so that will be principal pay place of business now For the purpose of Section 13 of Information Technology Act 2000, if the or originator or the addressee has more than one place of businesses, which one of the following shall be the place of business? So, this is the yoga principal place of business. Then question number nine is under the provision of IT Act 2000, cyber cafe means any facility from where access to the Internet is offered by any person in the ordinary course of business to the member of public. सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप चारों ऑप्शन पढ़ें बट इन ऑर्डर टू टाइम कम करने के लिए सिर्फ आई एम फोकसिंग ऑन राइट ऑप्शन बाकी आप इस वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को प्रॉपरली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द प्रोविजन ऑफ आई टी एक्ट टू थाउजेंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दैट इन्क्लूड डिजिटल सिग्नेचर दैन अलेवन इज़ टॉकंग अबाउट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नाइनटीन एटी एट विच व फॉलोइिंग इज नॉट करेक्ट

विथ रिस्पेक्ट टू ए क्यों गलत है इंस्पेक्टर ऑफ डी एस पी इज अथोराइज टू इन्वेस्टिगेट अ मैटर जनरली विदाउट ऑर्डर ऑफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास तो यहाँ पे नहीं है ऐसा नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वेन स्टेटमेंट इज मेड बाई द ब्राइब गिवर इन अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ पोका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नाइनटीन एटी एट इस्टेटिंग दैट ही ऑफर्ड ग्रेटिफिकेशन टू दब्लिक सर्वेंट ही तो बात कर रहे हैं वहां कि जिसने स्टेटमेंट दिया है सो ही शल नॉट बी लाइबल ऑन द ग्राउंड एज एन एबिटर तो अबेटर के ग्राउंड पे वो लाइबल नहीं होगा कि तुमने भी तो दिया था तो तुमको अबेटर पे चार्ज करेंगे दैट विल नॉट बी पॉमिसबल ना द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नाइनटीन एटी एट प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बाई सो दैक्ट ऑन ऑप्शन विल बी सी पब्लिक सर्वेंट एज वेल एज दोज हु इन्फ्लूएंस द पब्लिक सर्वेंट एंड अबिट द कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक सर्वेंट तो पब्लिक सर्वेंट पर तो करेगा ही बट कोई पब्लिक सर्वेंट को यदि अबिट करा है तो उसके ऊपर भी लगेगा नॉ नेक्स्ट क्वेश्चन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए स्पेशल जज अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सो दैट इज सी जी एम चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट विल नॉट बी ए स्पेशल जज नवा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेशल जज टू भी अपॉइंटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नाइनटीन एटी एट फॉर एनी एरिया कैन बी एज मे बी नेसेसरी कोई नंबर स्पेसिफाइड नहीं है जितनी जरूरत है वो अपॉइंट हो सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द सुप्रिंटेंडेंस ऑफ डी एस पी इन सो फार एज इट रिलेट्स टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस अड हैव बीन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट शैल वेस्ट इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन the next question is the delhi special police establishment act 1946 that extend to the whole of india the whole of india extend karega 18 is about nothing contained in section 5 of dsp act 1947 shall be deemed to enable any member of the establishment to exercise power and jurisdiction in any area in a state without the consent of government of the state right तो सिंपली है कि आप डायरेक्ट बिना कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के आप वहां पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द डायरेक्टर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस दैन टू ईर्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेंट इज इम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस नोटिफाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट दैन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू टू जेड टू बी एज ओन प्रॉपर्टी टेक्स दैट प्रॉपर्टी आउट ऑफ बीज पोजिशन ई हैज कमिटेड नो ऑफेंस अब उसने दूसरे की प्रॉपर्टी खुद की प्रॉपर्टी समझ के ले गया सो ही विल कमिट तो कोई ऑफेंस नहीं बनेगा ट्वेंटी टू है कि ए इज कमिटिंग रॉबरी बी इज अटेम्पटिंग टू कमिट रॉबरी सी इज प्रजेंट एंड एडिंग ए इन रॉबरी While D and E are present and aiding B in attempt to committing robbery, if all of them are conjointly doing this, then, the answer would be D, A, B, C, D, and E are guilty of committing dacoity. Then, because more than five per, because five person are there, so be, just because of that, charge of dacoity, dacoity will be framed. Then, question number twenty-three, believing sugar to be arsenic. अ पॉइजन ए मिक्स द सेम इंटू बीज फूड विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बी डेथ बी ईट्स द फूड बट डज नॉट डाई ए इज़ गिल्टी ऑफ सिंपली इज कि एक शुगर को उसने पॉइजन समझ के खाने में मिलाया ए मिक्स द सेम इंटू बीज फूड और इंटेंशन भी था कि बी को इससे मार देंगे बी खाना खाता है बट वह नहीं मरता है तो ई ने कौन सा ऑप्शन किया है सो आई विल ये क्वेश्चन ओपन रहेगा और इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़ कि व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री आई रिपीट द क्वेश्चन कि एक बंदा है एक जहर को और जहर मिलाता है बट वो एक्चुअली में शुगर होता है और जहर भी इस इंटेंशन के साथ मिलाता है कि ये खाए तो मर जाए बट एक्चुअली में चूँकि वो शुगर रहता है तो खाता है तो मरता नहीं है तो कौन सा ऑफेंस किया है अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर नो ऑफेंस ंग क्रिमिनल फोर्स तो ये आप देख के बताइए मुझे देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ए साइन हिज ओन ने बिल ऑफ एक्सचेंज इनडिंग दैट इट मे बी बिलीवड दैट द बिल वॉज ड्रॉन बाई अनादर पर्सन ऑफ द सेम ने कमिटेड दर्जरी फाइव ए फाइनस द की ऑफ जेड हाउस एक जेड की चाबी मिली विद जेड हैड लॉस्ड जेट खो चुका था एंड कमिट हाउस टू इस बाई बाई यूजिंग द की ही हैज़ फाउंड तो उस चा उस चाबी से ताला खोल के अंदर गया नाउ ए इज गिल्टी ऑफ हाउस ब्रेकिंग तो ये होगा ऑफेंस उसने किया वो हाउस ब्रेकिंग का होगा ट्वेंटी सिक्स इज दैट ए इंटेंडिंग टू किल बी बाई पॉइजनिंग गिव टू बी सम स्वीट टू ईट विच वे मिक्सड विद पॉइजन बी टुक अ पोर्शन ऑफ इट एंड गिव रेस्ट टू सी

then question number twenty eight is that A and B entered a shopping mall on the rainy day. A came out and by mistake took the umbrella of B. A or B mall में जाते हैं. A came out, A, a mall से बाहर निकलता हैं and by mistake B का umbrella ले लेता है. घर पहुँचने के बाद ही realise that umbrella is of B कि umbrella तो B का है and thinking that कि B B ने भी उसका umbrella ले लिया होगा. तो वो इस चीज़ पे साइलेंट रहता है तो ए ने कौन सा ऑफेंस किया है तो ये ऑफेंस होगा क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन का देन ट्वेंटी नाइन इज अबाउट एक्स शेक्स हिज फर्स्ट एट जेड नोइंग इट टू बी लाइकली दैट बाय डूइंग सो ही मी कॉज जेड टू बिलीव दैट एक्स इज अबाउट टू स्ट्राइक हिम एक्स इज गिल्टी ऑफ असॉल्ट ये दिया गया है सेक्शन थ्री फिफ्टी वन के इलास्ट्रेशन वन में देन क्वेश्चन नंबर थर्टी एक्स इज़ द पैराम ऑफ वाइज वाइफ जेड सी गिव्स अ गोल्डन रिंग्स टू एक्स विच एक्स नोज इज़ दैट ऑफ वाई एंड जेड हैज़ नो अथॉरिटी फ्रॉम वाई टू गिव इट एक्स डिसऑनेस्टली टेक्स द रिंग एक्स इज़ गिल्टी ऑफ थेट सिंपल इज दैट एक्स एक्स इज द पैरामॉर ऑफ लवर सो एक्स है जो लवर है वो जेड की जो बीवी है वाई वाइज वाइफ जेड तो उसकी वाइफ गिफ्ट कर देती है एक्स को और एक्स को पता होता है कि इस चीज़ के लिए ऑथोराइज नहीं है तो उस केस में ऑफेंस बनता है थेफ्ट का देन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ए फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग बी टू डिसिस्ट फ्रॉम अ प्रोसिक्यूटिंग अ सिविल सूट थ्रटेंस टू बर्न बी हाउस ए हैज कमिटेड क्रिमिनल एंटीमिडिएशन ए इंस्टीगेट बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड बी इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कॉज इज ग्रीवियस हट टू जेड जेड डाइज इन कंसिक्वेंस ए न्यू दैट ग्रीवियस हट अबटेड वॉज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ जेड ए हेज कम्पिटेड अबेटमेंट ऑफ मर्डर बिकॉज उसको पता था कि इस ग्रीवियस हट से इसकी डेथ हो सकती है ना नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी थ्री इन क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज इसशियल सो द एग्रीमेंट इज इसशियल क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट किल ए he has a right of private defence up to the extent of causing death question number 35 the case of bachchan singh versus state of punjab is considered to be an important decision of the supreme court of india in context of death penalty then question number 36 a person who causes bodily injury to another person who is labouring under a disorder disease or bodily infirmity and thereby accelerate the death of that person shall be deemed to have caused his death the above rule is mentioned in explanation, explanation one of section two hundred ninety nine of IPC. Then question number thirty seven is there. The right granted under section hundred of IPC to the extent of causing death can be exercised against an assailant who may be reasonable cause the apprehension that death will be otherwise be consequence of such a sort.

injuring or defiling a place of worship with intent to insult the religion of any class is enumerated in which one of the following sections so this is a section 295 for time hai ex 16 years uh, girls to do a particular job to a particular office where she will have to face an interview एज अ फॉर्मैलिटी फॉर द प्रोमिस्ड जॉब जहाँ पे उसको एक इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा एज प्लान बाई एक्स एक्स ने प्लान किया था द माइनर गर्ल वॉज फोर्स टू एलिसिट इंटर कोर्स बाय द मैन होम सी वॉज सपोज टू मीट एट दैट प्लेस द ऑफेंस कमिटेड बाई एक्स विल स्क्वायरली फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन थ्री सिक्सटी सिक्स ए में आएगा ये ऑफेंस देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इज देयर सो ए एंड बी हैव बीन ऑफ एन ऑफेंस

So the अंडर सो ऑल दिस फोर ऑप्शन आर देयर सो कमेंट comment below और आप इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इन धनंजय चटर्जी वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, द एक्यूज रेप्ड यंग गर्ल एंड मर्डर्ड हर द पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू द एक्यूज वॉर पेनाल्टी तो धनंजय चैटर्जी वाले केस में डेथ पेनाल्टी हुआ था विच वन ऑफ द फॉलोइिंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट अंडर इंडियन पीनल कोड तो ये इसका आंसर होगा एक्ट मस्ट बी डन विथ ड्यू इंटेंशन इफ यू वॉन्ट टू रीड दिस स्टेटमेंट ये सेक्शन का है सेक्शन का एक लाइन कॉपी कर करके इधर है पेस्ट है तो यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो काइंडली पॉज द वीडियो एंड रीड दिस ये उसमें पूरे के पूरे एलिमेंट सेक्शन एटी के एलिमेंट दिए गए हैं कि सेक्शन एटी में क्या मेंशन किया गया है और चूंकि यहां पे नॉट पूछ रहा है तो एक्ट मस्ट बी डन विद ड्यू अटेंशन सो दिस इज नॉट एयर एक्ट किससे होना चाहिए विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन के थ्रू होना चाहिए ना क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर अंडर द आई पी सी नथिंग इज सेट टू बी डन और बिलीवड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड आंसर होगा इसका विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन यू नीड नॉट टू कन्फ्यूज सी ऑप्शन दैट इज विदाउट प्रॉपर केयर एंड कॉशन तो आपको गुड फेथ का मतलब होगा विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव इज देयर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लेयर दैट सेक्शन थ्री जीरो नाइन ऑफ द इंडियन पैनल कोड इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉट वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन एंड आर्टिकल फोर्टीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये आया था आपका ज्ञान कौर के केस में देन सेक्शन देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल Under section 309 of CRPC 1973, a magistrate can remand the accused for a maximum period of not exceeding 15 days at a time. Question number 47 A person accused of an offense before a criminal court. और अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड अंडर द सी आर पी सी हैज अ राइट टू बी डिफेंडेड बाई अ प्लीडर ऑफ हिज ओन चॉइस ये दिया गया है सेक्शन थ्री जीरो थ्री में दैट इज सी आर पी सी देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट एन ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पास्ड अंडर सेक्शन फोर फिफ्टी वन ऑफ द सी आर पी सी दैट इज इंटरलॉकेट्री ऑर्डर देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन इसमें पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन अंडर द सी आर पी सी सेवेंटी थ्री क्या सही नहीं है तो रिक्वेस्ट ऑफ अरेस्टेड पर्सन फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन फिफ्टी फोर सो दिस इज द रोंग स्टेटमेंट अरेस्ट फॉर द ए बी एन सी आर करेक्ट ई क्या है एंड एक्यूज मे बी आस्क टू अंडर गो मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन फिफ्टी थ्री राइट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ रेप इज कंडक्टेड अंडर सेक्शन फिफ्टी थ्री ई सो दैट इज ऑल्सो राइट Then question then option number C an arrested person can submit an application to the magistrate for the medical examination under section 54. That is also right. So the D, D would be wrong. Now question number 50: which one of the following is a fundamental right that has been incorporated in section 300 of the CRPC? So that is the principle of autray force convict and autray force acquit. Then question number 51: maintenance under section 125 CRPC cannot be claimed by. अ वाइफ लिविंग सेपरेटली बाई अ म्यूचुअल कंसेंट सो दिस इज अ ग्राउंड जहाँ पे वन ट्वेंटी फाइव क्लेम नहीं होगा यदि वो म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू रह रही है अलग नो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द सी आर पी सी नाइनटीन सेवेंटी थ्री तो इसमें होगा सी गलत पूछ रहा है सो दैट इज द बेलेबल वॉरेंट ऑफ अरेस्ट कंटेनर डायरेक्शन दैट द पर्सन नेम्ड इन द वॉर नीड नॉट बी अरेस्टेड इफ़ ही एग्जीक्यूट अ बॉन्ड एज पर द टर्म ऑफ वारंट तो इसके हिसाब से यह है कि बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट कंटेन ए डायरेक्शन बेलेबल वारंट में एक डायरेक्शन कंटेन होगा जहाँ पर ये कहा जाएगा कि पर्सन नेम्ड इन वारंट इसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ ही एग्जीक्यूट अब बॉन्ड एज पर द टर्म ऑफ वारंट सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग सही क्या क्या है ए बी एंड डी सो ए इज समन इशूड बाई कोर्ट अंडर दिस कोर्ट शैल बी राइटिंग राइटिंग में होगा डुप्लीकेट में होगा साइन बाई द ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट होगा और शैल बी द सील ऑफ द कोर्ट होगा ये हो जाएगा सेक्शन सिक्सटी वन में मैंशन है देन अंडर सेक्शन सिक्सटी नाइन सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस में बी रजिस्टर्ड बाई पोस्ट तो सिक्सटी नाइन में दिया गया है कि रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी समन सर्विस हो सकता है देन ऑप्शन नंबर डी है एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज़ कैंसिल बाय द कोर्ट विच इशूड और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड ये दिया गया है सेक्शन सेवेंटी के सब क्लास टू में एज पर द प्रोविजन ऑफ द सी आर पी सी द कोर्ट इज इम्पावर्ड टू समन एनी पर्सन एज अ विटनेस सो द ऑप्शन वुड बी एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग आंसर मिलेगा आपको सेक्शन थ्री एलेवन सी आर पी सी में

सो द केस का नाम आपको कमेंट सेक्शन थ्री जीरो सिक्स यूनिवर्सल बिहार एक्ट में आपको कमेंट में ये केस मिल जाएगा स्टेट वर्सेज जगजीत सिंह उसमें लिखा गया है एक्सप्रेसली कि ही विल बिकम अ विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट विथ रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ सी कौन सही नहीं है तो बी भी, भी सही है बी के रिगार्ड में एट्टी थ्री पॉइंट सिक्स सेक्शन एटी थ्री का सब क्लॉस सिक्स पढ़ लीजिएगा तो ये वाली लाइन मिली है देन क्या गलत है सो so, ये हाईलाइटेड में मैंने कर रखा है वे प्रॉपर्टी ऑफ सम अदर पर्सन नॉट बींग प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज अटैच ही मे सबमिट अप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड मे प्रूव हिज टाइटल विद इन वन ईयर बाई इंस्टीट्यूटिंग अ सिविल जोड तो फिफ्टी सिक्स में ये गलत है बाकी ऊपर के ए बी सी और सही है

तो ऑब्वियसली उसको लैंग्वेज अंडरस्टूड होना चाहिए अदरवाइज पर्पज डिफीट हो जाएगा सेक्शन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन अपॉन एक्विटल अ को एक्यूज कैन बी अ विटनेस फॉर द डिफेंस ओनली कि एक्विटल होने पे जो को अक्यूज्ड होगा वो कौन सा विटनेस बनेगा तो विटनेस फॉर द डिफेंस ओनली ये आपका दिया गया सेक्शन वन थर्टी थ्री एविडेंस एक्ट में

टू कैपिटल ए में लिखा है कि वेर जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सो सेक्शन 167 के क्लॉज टू कैपिटल ए में ये चीज़ें प्रोवाइडेड हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू इज देयर कि कौन से केस में रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ आई आर इन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मैंडेटरी सो दैट इज ललिता कुमारी

मतलब एक स्टेट में ऑब्वियसली दो अलग अलग हाई कोर्ट का जोरिस्डिक्शन यदि बन रहा है तो उस केस में किसके पास केस ट्रायल होगा तो उसका आंसर दिया गया है सी में द हाई कोर्ट विद इन हुज अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन द प्रोसीडिंग वेयर फर्स्ट कमिंग तो जिस कोर्ट में आपकी पहली प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई थी उसी कोर्ट का जोरिस्डिक्शन बनेगा सो वे आर टू कोर्ट सबऑर्डिनेट टू टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैव टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ सेम ऑफेंस क्वेश्चन रिलेटेड टू विच आर द सबिनेट कोर्ट कैन इंक्वायर और ट्राई इन टू ऑफेंस बी डायरेक्टेड बाई तो हाई कोर्ट विद इन अपील द प्रोसिडिंग कमेंट यह आपका दिया गया सेक्शन वन एटी सिक्स के क्लॉज बी में देन क्वेश्चन नंबर मजिस्ट्रेट गॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन एंड रेफर्ड द सेम टू कंसर्न पुलिस Station to investigate the matter, the investigation report submitted by the police shall be treated by the magistrate as a report under section 173. Question number 66 X causes the death of Y.

सो so रॉन्ग क्या है इसमें कि एनी नंबर ऑफ ऑफेंस ऑफ सेम काइंड इन ईयर कैन बी चार्ज टुगेदर सो ये आपको मिलेगा सेक्शन टू जीरो नाइन में वहाँ पे तीन नंबर लिमिट कर दिया है तीन और यहाँ पे दिया है एनी नंबर सो दिस इज़ द रॉन्ग फॉर द रेस्ट ए बी एंड डी यू रीड और आपको जरूरत पड़े तो आप इस वीडियो को पॉज करके फिर से आप पढ़ सकते हैं इसको प्रॉपरली देन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट एन एक्यूज कैन बी डिस्चार्ज बाई कोर्ट विच हैज कम्पिटेंस टू ट्राई द केस सिक्सटी नाइन प्ली बार्गेनिंग इज परमिटेड वेयर जहाँ पे ऑफेंस वन फिफ्टी थ्री एंड वन सिक्सटी ऑफ आई पी सी हुआ हो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी द कंपाउंड ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन थ्री ट्वेंटी ऑफ सी आर पी सी शैल है और ये कहाँ लिखा है सेक्शन थ्री ट्वेंटी क्लाज एट में है सेवेंटी वन वेन अटनेस शाल बी कम्पेल टू आंसर अ क्वेश्चन इज डिसाइडेड बाई तो ये डिसाइड करेगा कोर्ट ये लिखा है सेक्शन वन फोर्टी एट से एविडेंस एक्ट सेवेंटी टू इज हॉस्टाइल विटनेस कौन होता है कि वो विटनेस एविडेंस इन फेवर ऑफ द अपोजिट पार्टी अपोजिट पार्टी की फेवर में एविडेंस देता है तो दैट इज हॉस्टाइल विटनेस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री ओवरऑल एविडेंस इन अ कोर्ट मस्ट बी डायरेक्ट सो बाई वर्च्यू ऑफ सेक्शन सिक्सटी

क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन इज देयर स्टेटमेंट मेड इन पुलिस कस्टडी बाय द एक्यूज अमाउंट टू कन्फेशन वेन दैट पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट विच लीड्स टू द रिकवरी ऑफ द ऑब्जेक्ट तो पुलिस स्टेटमेंट को दिया है फिर भी हम मान लेंगे कब जब उस चीज़ से कोई रिकवरी ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉसिबल हुई है देन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट ओवरऑल एविडेंस एज टू द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर रेलिवेंट वेन द जेन्युननेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड इज इन ए क्वेश्चन तो ये आपको मिलेगा सेक्शन ट्वेंटी टू कैपिटल ए और ये ऐड हुआ था टू थाउजेंड अमेंडमेंट के थ्रू देन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन नो जज और मजिस्ट्रेट कैन बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन इन कोर्ट एज और मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट तो यदि किसी कोर्ट के सामने कोई प्रोसीडिंग हो चुकी है और उसी के रिगार्ड में जाके बाद में उसको आगे कोई विटनेस बन रहा है तो आपको देन कोर्ट को जिसके अंडर में वो सबऑर्डिनेट है वहाँ से परमिशन लेके फिर जाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर एटी लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क इन आस्क इन क्रॉस एग्जामिनेशन वन फोर्टी थ्री इज देयर देन क्वेश्चन नंबर एटी वन है किशन वन वन थ्री ई ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सकमस्टांसिस द कोर्ट में नॉट प्रजम अबेटमेंट ऑफ स कौन से सकम में करेगा कि अब ऑफ सुसाइड नहीं हुआ है कब जब मैरिड वीमेन कमिटेड सुसाइड आफ्टर टेन ईयर्स ऑफ हर मैरिज क्योंकि उसमें लिमिट है सेवन ईयर्स की क्वेश्चन नंबर एटी टू प्रजशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट इज ड्रॉन अप बाय द कोर्ट वेन रिकॉर्ड इज फाइव ईयर्स ओल्ड दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन नाइनटी कैपिटल ए देन क्वेश्चन नंबर 83 थ्री इज देर अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सपर्ट इज अ पर्सन हु इज स्पेशली स्किल्ड इन तो सेक्शन फोर्टी फाइव में है कि फॉरेन लॉ साइंस आर्ट और हैंडराइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर देन क्वेश्चन नंबर एटी फोर इज देयर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अ फैक्ट इज सेट टू बी नॉट प्रूव नॉट प्रूवड कब कहेंगे जब इट इज नाइदर दर प्रूव नॉट देन क्वेश्चन नंबर एटी फाइव इन क्रिमिनल केसेज विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सो द फैक्ट दैट अक्यूज द पर्सन इज ऑफ गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट तो ये आपका प्रोवाइडेड है सेक्शन फिफ्टी थ्री में राइट देन क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स इज देयर विच वन ऑफ द फॉलोविंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट सो द स्टेटमेंट ऑफ डाइन डिक्लेरेशन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाई अ पुलिस ऑफिसर दैट इज नॉट करेक्ट क्वेश्चन नंबर एटी सेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशन अंडर सेक्शन फोर्टीन सेक्शन फोर्टीन में कौन सा वर्ड मैंशन नहीं है तो ये आपको कंडक्ट मेंशन नहीं है ये कंडक्ट वर्ट मैंशन है सेक्शन एट में देन एटी एट आ जाइए कि कौन सा नॉट करेक्ट पूछ रहा है सिंपली तो इसका आंसर होगा कि किउंटर पार्टी प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज नॉट साइंड इट तो यहाँ पे कब होता काउंटर पार्ट काउंटर पार्ट प्राइमरी एविडेंस जब अपोजिट वाले पार्टी ने साइन किया होता और यहाँ पे है कि नॉट साइंड इट पहला वाला सिक्सटी टू का एक्सप्लेनेशन वन है देन सी ऑप्शन इज सिक्सटी थ्री का क्लास फाइव है देन डी ऑप्शन इज द ये है सेक्शन सिक्सटी फोर है देन क्वेश्चन नंबर एटी नाइन इज देयर द क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग अ डॉक्यूमेंट अराइजेज वेन इट्स एग्जीक्यूशन इज डिनाइड बाई द एडवर्स पार्टी इन सच अ केस पब्लिक डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूवड तो कब कैसे प्रूव किया जा सकता बाइट्स सर्टिफाइड कॉपीज अंडर सेक्शन सेवेंटी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट नाइन नाइन्टी में बात करें तो सेक्शन वन जीरो वन में जो एविडेंस एक्ट है उसमें कहता है कि हु एवर डिजायर द कोर्ट जो कोर्ट से डिजायर करता है टू गिव अजमेंट एज टू एनी लीगल राइट और लाइबिलिटी किसी लीगल राइट या लाइबिलिटी पे कोई जजमेंट प्रोनाउंस करे डिपेंडिंग ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट जो कि किसी फैक्ट पे बेस्ड हो विच ही असर्ट्स जो जिसपे वो खुद असर्स कर रहा हो मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट फैक्ट दिस मीन्स दैट तो ऑप्शन होगा इसका सही बी

देन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू चिल्कोरी वेंकटा स्वर्ू वस वेंकटा नारायण ये किस चीज़ से रिलेटेड है प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी देन नाइन्टी थ्री सेकेंडरी एविडेंस डज नॉट मीन तो इसका आंसर होगा डी इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट इट्स सेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट ये इंक्लूडेड नहीं होगा सिक्सटी थ्री में सिक्सटी थ्री में मैंशन है डिटेल देन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर इज देयर एडमिशन अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट एटीन सेवेंटी टू क्या है तो ये होगा कैन बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट ये मिलेगा आपको इसका आंसर सेक्शन ट्वेंटी एविडेंस एक्ट देन क्वेश्चन नंबर नाइंटी फाइव सेक्शन वन वन टू ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लॉ फेवर लेजिटिमेसी रेदर देन बास्टर्डिटी ऑफ चिल्ड्रेन तो द कंक्लूजिव प्रिजन कैन बी रिवर्टेड तो कंक्लूजिव प्रिजम्पन जो सुबह इसको सिर्फ एक ही ग्राउंड पर रिबर्ट किया जा सकता है दैट इज नॉन एक्सेस ऑफ द पार्टीज देन क्वेश्चन नंबर नाइंटी सिक्स द प्रियांबल इज यूजफुल इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट कंटेन द रियल ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर देन क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन इज देयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जोरिस्डिक्शन रिगार्डिंग अ डिस्प्यूट बिटवीन तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अ फॉरिन एम्बेसिड लोकेटेड इन इंडिया इस पर नहीं है देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट द गवर्नर ऑफ स्टेट हैज़ पावर टू अ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ वॉट सो दैट द आंसर इज पंचायत बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल टू फोर्टी थ्री क्लॉज आई देन क्वेश्चन नंबर नाइंटी नाइन इज सीट ऑफ ऑफ पार्लियामेंट में नॉट बिकम वैकेटेड इफ एबसेंट फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द हाउस फॉर द एट वीक यहाँ पे एट वीक की जगह सिक्सटी वीक होता था तो आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल वन जीरो वन के क्लास फोर देन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड अंडर विच लॉ इट इज प्रिस्क्राइब्ड ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज सो दिस इज आर्टिकल थ्री फोर्टी एट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन आ जाते हैं वन जीरो वन इज टॉकिंग अबाउट इट हैज़ बीन हेल्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट इन सेवरल केसेज इंक्लूडिंग मेनका गांधी केसेस मेनका गांधी केस को मिला के भी कहा दैट अ प्री डिसीजनल हियरिंग इन ऑल केस इज नॉट मैंडेटरी कि सारे केस में प्री डिसीजनल हियरिंग होना ये मैंडेटरी नहीं है इवन द पोस्ट डिसीजनल हियरिंग इन सम केसेज इज अ गुड सब्सटीट्यूट। इवन दो कि पोस्ट डिसीजनल हियरिंग इज ऑल्सो बी गुड सब्सटिट्यूट दिस द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट द लॉ रिलेटिंग टू पोस्ट डिसीजनल हियरिंग सो द ऑप्शन वुड बी सी दैट पोस्ट डिसीजनल हियरिंग मे बी यूजफुल इन सम केसेज डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट एंड ऑफ द केस then 102 question number which one of the following statement is correct a mentally retarded woman has a fundamental right to bear a child so this is a correct option then question number 103 which one of the following will not under come under the expression state as defined under article 12 of the constitution of india so that will be all private universities established by act or state legislature

Then question number one zero six, which one of the following statement is not correct? So newspaper have freedom to publish expunge the portion of the speech of a member of parliament. So then question number one zero seven, which one of the following the leading case on the issue of transfer of judges? So that is S P Gupta versus Union of India. Then one zero eight, I R koilo is related to the Ninth Schedule and Article thirty one B of the Constitution of India. द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है आर्टिकल फोर्टी फोर में है देन थ्री ट्वेंटी थ्री ए की वजह से क्या बना सो दिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूनल कमीशन हैज़ बीन अप इन अकॉर्डेंस प्रोविजन ऑफ आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री कैपिटल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दैन पार्ट ट्वेंटी वन में डज नॉट कंटेन स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट तो महाराष्ट्र का है आंध्र प्रदेश है असम है हिमाचल प्रदेश नहीं है सेक्शन एक सौ बारह में है इट इज़ रिलेटेड टू द थ्री सेवेंटी आर्टिकल थ्री सेवेंटी और उसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट द आउट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंटर्ड इनटू बाय फॉर्मर महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन बी एडजुडिकेटेड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट सो दिस रॉन्ग सो Next question is that, which one of the following is not essential for the creation of a new state? So, this is one. The consent of state from which territory is to be taken out is mandatory. Ji, ji. Question number 114. Suppose the central government decide to issue license to private parties. Which one of the following would be valid procedure to do so? To invite seal karega, tender and open public auction over Government consider best in public interest. क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फिफ्टीन इन इंडिया द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट इश्यू डायरेक्शन टू द स्टेट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस तो टू इंश्योर द वाटर इंटर स्टेट रिवर इज नॉट अनड्यूली एक्सप्लॉयटेड इस केस के लिए नहीं करेगा आप इसको आराम से स्लो मोशन में पढ़ सकते हैं इसके सारे ऑप्शन then question number 116 which one of the following statement is not correct so that is uh, no person accused on of an offense can be compelled to give a specimen of his signature or thumb impression so this is the uh, wrong then question number one seventeen is there which one of the following statement is not correct? So option number D is there. So a law defining the matter with respect to which the executive power of autonomous state shall extend can be amended by the parliament by simple majority. So this is not correct. Then question number eighteen is the public interest litigation is maintainable in respect of which one of the following matter? So this is the policy matter. सेक्शन क्वेश्चन नंबर वन वन नाइन इज देयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन परमिट स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द चिल्ड्रेन सो दैट इज आर्टिकल फिफ्टीन क्लास थ्रीन देन क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी द लास्ट क्वेश्चन सो दिस जो ई मैनुअल वर्सिस स्टेट ऑफ केरला सो दिस केस इज रिलेटेड टू ऑब्जर्विंग रिलीजियस प्रैक्टिस एट एनी लोकेशन तो वो नेशनल एंथम नहीं गा रहे थे एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन पे स्कूल पे, सो so, ये रहा पूरा का पूरा सीबीआई का एपीओ का एपीपी का और पीपी -पी का जो एग्ज़ाम हुआ था टू थाउजेंड फिफ्टीन में उसकी एक सौ बीस क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन के आंसर के रिगार्ड में कोई डाउट है तो काइंडली मेक कमेंट करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को